ऑस्कर लॉडिंग हो रहा है। अगर मैं ऐसा बोलूं कंफ्यूजन हो जाओगे भाई कि भाई ये कहना क्या चाहता है। भाई मैं आपको बताने वाला हूँ, एक मलयालम इंडस्ट्री से मूवी का अनाउंसमेंट हुआ है भाई, ऐसी मूवी आने वाली है। क्या बात कर रहे, जो मूवी ऑस्कर तो भाई पक्का जाएगा जाएगा यार, मतलब जितनी उम्मीदें हैं मूवी को लेके। मूवी का ट्रेलर आया है, 1 मिनट 33 सेकंड का ट्रेलर आया है, टाइटल में लिखा ऑफिशियल ट्रेलर, लेकिन यार 1 मिनट 33 सेकंड का ट्रेलर है यार, ये कुछ बात समझ में नहीं आया। खैर छोड़ो, अपने को क्या है, अपने को भाई मूवी से मतलब भाई की मूवी में क्या चीज है। बात सही है, कतई बवाल टाइप का मूवी यार। जो भी ट्रेलर देखा है और अनाउंसमेंट हुआ है, जैसे स्टोरी मूवी 100% ऑस्कर में जाएगी, और भाई अगर किस्मत अच्छी रही तो भाई ऑस्कर भी आएगा यार, चिंता मत लो आएगा। एक मूवी आने वाली है द गोट लाइफ करके, और भाई इतने बड़े एक्टर है इसमें, पृथ्वीराज सुकुमारन है इसमें मेन लीड रोल में, और भाई इसकी स्टोरी, इसका डायरेक्शन, सारी चीजें बताता हूँ आपको। एक उपन्यास है जिसको कॉमिक्स बोल सकते हैं हम, मलयालम का एक कॉमिक्स है आदिजीवितम नाम करके, 2008 का कॉमिक्स है वो, तो भाई 2008 के मतलब रियल स्टोरी पे कॉमिक्स बना है वो। जो मूवी आने वाली है द गोट लाइफ करके, डायरेक्शन दोनों ब्लेसी कर रहे हैं भाई, जो ब्लेसी सर हैं उनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। और भाई मूवी की स्टोरी बहुत ही धमाकेदार है भाई, स्टोरी रियल स्टोरी पे आधारित है, सर्वाइवल टाइप की मूवी रहती है भाई, उसका ज्यादा चांस रहता है ऑस्कर जीतने का भाई। जितने भी एक्शन वैक्शन वाली फिल्में रहती है भाई, ये कमाती तो है भाई धमाकेदार, कमा लेगी भाई 400-500-1000 करोड़ कमा लेगी, लेकिन भाई ये टाइप की मूवी ऑस्कर में नहीं जाती है, सर्वाइवल टाइप की रहती है, जो रियल स्टोरी पे आधारित रहती है, ऐसी मूवी जाती है ऑस्कर में। गूगल करके सर्च कर सकते हो भाई, इस टाइप की जो मूवी रहती है सर्वाइवल टाइप की, रियल स्टोरी पे आधारित रहता है, इस टाइप की मूवी ऑस्कर में जाती है और कर पाती है। एक मलयालम कॉमिक्स है तो भाई उसके स्टोरी को उठा के मूवी बन रही है, जैसा स्टोरी का अपडेट आया मैं आपको बता रहा हूँ, रियल स्टोरी पर आधारित है। मलयालम के एक नजीब मोहम्मद नाम करके कोई व्यक्ति थे, विदेशों में भी बहुत चर्चित में रहा यह कॉमिक्स। मूवी में मलयालम और भाई अमेरिका दोनों हिस्सा ले रहे हैं, तो भाई कुछ तो बढ़िया वाला रहेगा यार, तभी तो वो लोग भाई इन्वेस्ट कर रहे हैं मूवी में। भाई स्टोरी आपको बताता हूँ थोड़ा भाई की, इस टाइप की है स्टोरी। तो भाई एक नजीब मोहम्मद करके हैं जो सऊदी अरब जाते हैं, और भाई सऊदी अरब जाते किसी और काम में, और भाई किसी और काम में चले जाते हैं, वो वहां से भाग ना पाए, भाई कर्मचारी रहते हैं भाई उनके पैर भी तोड़ देते हैं भाई की, ताकि ये भाग ना पाए। इस टाइप की सर्वाइवल मूवी है, दिल दहलाने वाला मूवी है यार। मूवी में हमको यही दिखाया जाएगा कि भाई पृथ्वीराज सुकुमारन भाई कैसे भाई क्या क्या करते हैं, कैसे वहां से आते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे कैसे उनके साथ घटना होती है सऊदी अरबिया में, सारी चीज दिखाएगा हमको, सारी चीज जानेंगे मूवी में। मूवी बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो भाई जिस टाइप की मूवी की स्टोरी है, जिस टाइप पे डायरेक्शन है, जिस टाइप के पृथ्वीराज सुकुमारन एक्टिंग किया है, ऐसा भाई लग रहा है कि भाई ऑस्कर में तो जाएगी जाएगी मूवी। और भाई मूवी में म्यूजिक दे रहे हैं एआर रहमान सर, मिला जुला के भाई हर चीज परफेक्ट होने वाला है मूवी में। जितनी भी उम्मीदें हैं ट्रेलर देखने के बाद मूवी से, भाई जो भी मेकअप आर्टिस्ट है भाई एकदम कमाल का किया है भाई, हर चीज परफेक्ट लग रहा है, मूवी तो धमाकेदार रहेगी। द गोट लाइफ मूवी 28 मार्च को लास्ट में रिलीज होगी। भाई एक चीज समझ में नहीं आया कि पृथ्वीराज सुकुमारन की दो मूवी आने वाली है, जो मार्च के लास्ट में 28 मार्च को रिलीज होगी सिनेमा हॉल में, और मूवी 5 भाषाओं में रिलीज होने वाला है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। और भाई अगले महीने में अप्रैल में 10 तारीख को भाई बड़े मियां छोटे मियां आ रहा है। 10-12 दिन के आगे पीछे यार मूवी रिलीज करने की क्या जरूरत थी, दोनों तो उन्हीं की मूवी है, लेकिन ये चीज कुछ हजम नहीं हुई यार। डेट आगे टल भी सकता है, दोनों मूवी का डेट आगे टल सकता है, छोटे मियां छोटे मियां का तो ना टले भाई, वो तो पक्का है, वो टलेगा नहीं। भाई जो मूवी आने वाली है द गोट लाइफ 28 मार्च को, तो भाई अगर डेट इसका आगे पीछे हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। खैर भाई वीडियो करते हैं खत्म, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छा लगेगा, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।